तो नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज मैं आप लोगों को विंडसर, जो कि स्लाओ के बहुत करीब है, 5 मिनट का रास्ता ट्रेन से अगर आप आओगे तो आपको विंडसर घुमाऊंगा, साथ ही साथ आपको यहाँ का क्रिसमस मार्केट भी दिखाऊंगा। आइए चलते हैं। अभी मैं स्टेशन में खड़ा हूँ, आप देख सकते हो विंडसर ट्रैवल मनी लिखा हुआ है, और स्टेशन में खड़ा हूँ अभी। आइए चलते हैं विंडसर रॉयल स्टेशन। विंडसर रॉयल स्टेशन जो कि विंडसर कासल के एकदम अपोजिट साइड में है और वॉकेबल डिस्टेंस में है, और ये जो है विंडसर रेलवे स्टेशन इज मोस्ट विजिट शॉपिंग एंड ईटिंग डेस्टिनेशन। आप देख सकते हैं ए फुल साइज रेप्लिका ऑफ ए ग्रेट वेस्टर्न रेलवे क्लास स्टीम लोकोमोटिव नंबर 3041 इज परमानेंटली पार्क्ड एट विंडसर एंड ईटन सेंट्रल रेलवे, जो कि विंडसर स्टेशन जिसे रॉयल स्टेशन कहते हैं वहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार स्टीम इंजन का रिप्लिका है, जो कि क्वीन विक्टोरिया रॉयल ट्रेन का रिप्लिका है, और जिसमें क्वीन विक्टोरिया लंदन और विंडसर के बीच में सफ़र करती थी। अब क्या लिखा है तो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा विजिटर्स लोग सिस्टम इंजन को देखने में लगे हुए हैं, जो कि विंडसर रॉयल स्टेशन में रखा गया है लोगों को देखने के लिए। ये विंडसर स्टेशन है। बहुत ही शानदार है ये कैंटीन वगैरह, शॉप, रेस्टोरेंट्स, बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। एटिक पेंटिंग्स वगैरह रखे हुए हैं, पेंडोरा बॉक्स। ये देखिए गिफ्ट हाउस। द कॉन्कोर्स क्रिसमस का टाइम है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही विजिटर यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि विंडसर फोर्ट या कासल जिसे कहते हैं बहुत ही फेमस है उसको देखने के लिए। और ऐसे भी बहुत सुंदर शहर है। क्रिसमस के लिए सजाया गया है, लंच टाइम है, लोग लंच ले रहे हैं। क्रिसमस का ट्री आपको दिखाई दे रहा होगा, जो क्रिसमस के लिए डेकोरेट किया गया है। तथा ये जो स्टेशन है ये शॉपिंग और ईटिंग ये दोनों के लिए बहुत फेमस है। देखिए कितना टूरिस्ट से भरमार है, ये सब शॉप्स हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है विंडसर कासल या विंडसर फोर्ट कह सकते हैं। विंडसर कासल इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इनहेबिटेड कासल इन द वर्ल्ड एंड हैज़ बीन द फैमिली होम ऑफ ब्रिटिश किंग एंड क्वींस।
इस किले को 11वीं सेंचुरी के विजेता विलियम ने बनाया था। विंडसर कासल इट इज एन ऑफिशियल रेसिडेंस किंग्स एंड क्वींस, और अभी भी यहाँ पे 150 से अधिक लोग रह रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिटर्स की भीड़ से भरा हुआ है। बहुत ही सुंदर जगह है, लोग अपने क्रिसमस छुट्टियों का आनंद उठा रहे हैं। सब बिजी है अपने। आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्री के पास क्वीन विक्टोरिया की स्टैचू है, जैसे आप देख सकते हैं। विंडसर टाउन जो कि रिवर थेम्स के किनारे बसा हुआ है और लंदन के जस्ट वेस्ट साइड में स्थित है। लोग घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, क्रिसमस छुट्टी का आनंद उठा रहे हैं। ऊपर की सजावट आप देखिए, ऐसा लगता है जैसे क्वीन की क्राउन को लटकाया गया है। ये उसी शेप में बनाया गया है, क्वीन की क्राउन के टाइप। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए क्रिसमस की लाइटिंग बहुत ही शानदार ढंग से की गई है। ये देखिए इस साइड कितना बढ़िया तरीके से सजाया गया है क्रिसमस के अवसर पर। शॉप को सभी को लाइटिंग से सजाया गया है। अब हम पहुंच गए विंडसर रॉयल स्टेशन। ये विंडसर रॉयल स्टेशन है। अब हम पहुंच गए हैं अलेक्जेंड्रा गार्डन्स। अलेक्जेंड्रा गार्डन इज ए प्रीटी पब्लिक गार्डन नियर द रिवर थेम्स और जस्ट आपके विंडसर ए टाउन और विंडसर कैसल के एकदम जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस पे है, तथा ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, तो पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा जगह माना जाता है। और छोटे बाइक के लिए भी यहाँ पर बनाया गया है जिसे लोग यूज करते हैं। अब हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पे विंडसर ऑन आइस अलेक्जेंडर गार्डन्स। ये अलेक्जेंडर गार्डन है जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। आइए अंदर चल के देखते हैं। वेलकम टू अलेक्जेंडर गार्डन्स, जहाँ पे क्रिसमस के अवसर पर बच्चों के लिए डिफरेंट फन प्रोग्राम रखे गए हैं।
देखिए बहुत से स्टॉल लगे हैं। यहाँ पे विजिटर्स पूरे एंजॉय कर रहे हैं, लाइन लगा के खड़े हैं लेने के लिए खाने पीने के सामान। यह विंटर ऑन आइस है, हम आप उसको दिखाएंगे बाद में, पहले इधर देख लेते हैं। यह आइस स्केटिंग के लिए लोग लाइन लगा खड़े हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट हो रहा है, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। यह देखिए, ये पूरा आइस फील्ड तैयार करके रखा गया है, यहीं से आपको बाकी लोग विंटर ऑन आइस लोग लाइन लगाए खड़े हैं, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तब आप देख सकते हैं लोग इस आइस प्लेटफॉर्म पे कैसे स्केटिंग करते हैं। अब शुरू हो गया है, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लोग पहले अपना स्टार्ट करके देख रहे हैं। देखिए फील्ड की चेकिंग हो रही है, तो लोग स्मूथली स्केटिंग कर पाए हैं कि नहीं। विंटर ऑन आइस, बिल्कुल ऐसा लगता है कि विंटर के जो लोग हैं वो आइस पे अपना स्केटिंग का जज्बा दिखा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्केटिंग सिखा रहे हैं। ये देखिए आइस का स्टैचू लेकर के बच्चे लोग, बच्चों के लिए देखिए किड्स फन सेंटर है। जोर है मारा এটা কাউন্টার করে আছে কি কথা দেখিয়ে বচ্চা কাজ খেলনে কার ড্রাইভিং কর রে বচ্চা লোক বেঠে থে। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी कई जगह आप देख सकते हैं, और देखिए एक्सीडेंट करवा रहे हैं। ये
देखिए यहाँ पे भी लाइन लगी है, बच्चों को देखिए। ये चोरस और डोनट उसके लिए लाइन लगी हुई है, हम लोग भी लाइन लगा दिए हैं। अब कब हमारा नाता देखिए, चोरस कैसे निकल रहा, देखिए निकल रहा है, उसके बाद गर्म पानी में गिरता है। चूरस है, इसे हमने खाया और आनंद उठाया इसका। हर जगह लाइन लगी हुई है खाने के लिए। देखिए सब बैठे हुए हैं और उसको कैसे हो बोला है। लोग चिल्ला रहे हैं, बैठे हुए हैं लेकिन चिल्ला रहे, एक्साइटमेंट से मज़ा ले रहे हैं और हल्ला भी कर रहे हैं। अब उल्टा घुमाए, ये जंप करने वाला देखिए, छोटे बच्चों को कैसे जंप कराया जा रहा है। बच्चों का ट्रेन बहुत स्पीड से चल रहा है, बच्चे लोग मज़ा ले रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कई ये लगे हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। और ये देखिए एक तो बच्चे लोग बैठ गए हैं और आप कार रेसिंग स्टार्ट हो गया, यानी यहाँ पे बच्चों के फन के लिए बहुत से मल्टीपल एक्टिविटीज रखा गया है, जिससे बच्चे और पेरेंट्स उसका आनंद उठा सकते हैं। और ये सब क्रिसमस के अवसर पर हो रहा है। ये क्रिसमस थीम्ड फंटियर नवंबर को चालू हुआ और 9 जनवरी तक चलेगा। इसका टाइमिंग है सवेरे 11 AM से रात के 9 PM तक, 9 PM तक। वीकेंड्स और स्कूल हॉलीडे में फ्रॉम 12 PM टू 9 PM ये अलेक्जेंडर गार्डन में होता है और सभी के लिए खुला रहता है।
जैसे ही रात होना शुरू हो जाती है वैसे विंडसर कासल के वॉल पर लेजर राइटिंग शो का आयोजन किया जाता है, जो बहुत ही अमेजिंग होता है, जिसे आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया लगता है, स्नोफॉल हो रहा है और भी बहुत से दृश्य, बहुत अच्छा लगता है देखने में। आप लोगों को ये विंटर का जो क्रिसमस फन फेयर है, ये वाला पूरा देख के आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया तो इसको बहुत ही लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों परिवार जितने भी लोग हैं सबको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट का। तब तक हैप्पी न्यू ईयर।